क्लास टेन का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी का, ठीक है। तो आज जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से बनता है आज हम सब करवा देंगे, ठीक है। तो पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है VBI क्वेश्चन जितना भी है, जितना भी बुक में पूछा गया है, आज हम सब करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। कौन है इनका लेखक, भीमराव अंबेडकर जी। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, लेख चित्र है, क्या है। तो ये निबंध है, क्या है, भीमराव अंबेडकर क्या है, एक निबंध है। अगला तीसरा क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर में हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक राज्य है, ये महू जो है उसका गांव का नाम है। जन्म हुआ था कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। तीन को हो गया, चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो बताओ फिर से बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा ललित सिंह यादव ने। किसने किया था, ललित सिंह यादव ने किया था, ठीक है। पचपन में क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। किसने कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। छठा में क्वेश्चन है भीम श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से लिए थे। जो श्रम विभाजन जो क्लास टेन में पढ़ने का है श्रम विभाजन जाति प्रथा, वो पाठ जो है किस भाषण से लिए थे। तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, कहाँ से, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। भीमराव अंबेडकर के तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन थे भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति, जो प्रेरणा देने वाला होता है, तो कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य सही से हो इसके लिए जो है आज के भी सभ्य समाज जो है पढ़ा लिखा लोग भी श्रम विभाजन क्या मानता है, आवश्यक मानता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सखपाल। क्या नाम था पिता का नाम, रामजी सखपाल। माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई। माता का नाम क्या था, भीमाबाई। क्या नाम था माता का नाम, भीमाबाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। तो कैसा कारण है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण है, तो प्रत्यक्ष रूप से भी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी है ना, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था, 1956 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर जो भीमराव अंबेडकर जो थे उसकी दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो कैसा होना चाहिए भाईचारा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जो कि पता ही नहीं चले कि कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है,
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जो भारत का जो संविधान है उसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? तो बताओ किनका है सबसे बड़ा योगदान? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। जो सभ्य समाज बोलता है, जो जातिवाद के पोषक है, वो बोलता है कि अगर समाज को सही से चलाना है तो जो है श्रम विभाजन जरूरी है। सही है, बिल्कुल सही है, जो जातिवाद को मानता है वो लोग, ठीक है, उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? जब उनका जो है भीमराव अंबेडकर जी को जो है प्राथमिक शिक्षा खत्म हो गया था, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई पड़ती है? कहाँ पर दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं लेखक को, भीमराव अंबेडकर जी को, है ना? तो जातिवाद में। कहाँ पर दिखाई पड़ती है? तो जातिवाद में। कहाँ दिखाई पड़ती है? जातिवाद में, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलता है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो बताओ 1916 में कब धारण की PhD? भीमराव अंबेडकर जो है PhD कब किए? तो 1916 ईस्वी में। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्र लोग, स्वतंत्र से जिए, जो काम करे मन करे वो काम करे, और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा हो, समाज में एक दूसरे को जो है भाईचारा की तरह रहे, भाई भाई करके रहे, ठीक है। वैसा समाज को जो है भीमराव अंबेडकर जो है अच्छा मानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अगले वीडियो में जो है हम सब्जेक्टिव देंगे, ठीक है।